हम मिक्स वेज पकोड़ा करने वाले हैं, वेज क्रिस्पी। तो उसके लिए हमने लिए है इंग्रेडिएंट्स, ऑनियन के रिंग्स, स्लाइस पोटैटो, बैंगन के स्लाइस, कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, मिर्ची, बेसन का आटा, करेले की स्लाइस, और मसालों में लिया है जीरा, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और नींबू। हम वेज क्रिस्पी बना रहे हैं मिक्स वेज के पकोड़े। तो उसके लिए हमने जो बेसन का आटा लिया है उसमें पहले हम मसाले डालेंगे। उसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर स्वादानुसार, आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से। हम हरी मिर्च भी डाल सकते हैं उसमें, नमक स्वादानुसार, खाने का मीठा सोडा 1/4 टेबल स्पून। अब हम ये सब मसाले मिक्स करेंगे, सूखे सूखे ही मिक्स करेंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले आटा आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदते समय एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से गूंदना है। उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। इसमें 2 चम्मच चावल का भी आटा डाल सकते हैं, उससे भी अपने वेज क्रिस्पी अच्छे अच्छे बनेंगे। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आज नहीं डाल रही हूँ, आप डाल सकते हो। मैं ये अच्छे से गूंद लेती हूँ। हमने बेसन का आटा अच्छे से गूंद लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। और अब हम ये करेले की स्लाइस किए, उसमें पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़े सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसी तरह हमने बैंगन को पानी में डुबो के रखा था क्योंकि वो काले ना पड़ जाए। अभी वो पानी निकाल देंगे हम पहले। बैंगन को भी हम नमक और लाल मिर्च पाउडर लगा के अच्छे से रखेंगे। इसके कारण ये काले नहीं पड़ेंगे। उसी तरह हम इसमें थोड़ा आधा नींबू निचोड़ेंगे तो करेले का कड़वापन कम हो जाएगा। इसको 10 मिनट ऐसे ही रखते हैं। हरी मिर्च को बीच में से काट के उसमें का बीज निकाल दिए है और उसे नमक लगा के अच्छे से रखेंगे तो तीखापन अपने आप कम हो जाएगा। तो सभी हरी मिर्च को इस तरह नमक लगा के छोड़ते हैं, उससे मिर्च का तीखापन कम होता है। हम सभी मिर्च को ऐसे कर लेते हैं। गैस पे हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा है और तेल अच्छे से गर्म भी हो गया है। तो हम पहले कैप्सिकम के शिमला मिर्च के पकोड़े पहले करेंगे। तो पहले इसे आटे में लगा के सब जगह पे आटा लगने चाहिए और तेल में छोड़ेंगे। इस तरह हम पहले वेज क्रिस्पी शिमला मिर्च के करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मीडियम गैस पे तेल गर्म करने के लिए रखा है और हम सभी कैप्सिकम की पकोड़े या वेज क्रिस्पी बना लेते हैं। अच्छे से कैप्सिकम को अपना बेसन का आटा लगना चाहिए, ज़्यादा भी थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह हम पहले वेज क्रिस्पी कैप्सिकम वेज क्रिस्पी बना लेते हैं। मीडियम आंच पे हम लोग ये वेज क्रिस्पी बना लेते हैं। सुनहरे रंग पे निकालेंगे, ज़्यादा भी उसको ब्राउन नहीं करेंगे। तो अपने ये वेज क्रिस्पी शिमला मिर्च के वेज क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हैं। हम ये छन्नी में निकाल के इसमें डालते हैं, इससे ऑयल
नीचे निकल आएगा। इस तरह हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये वाली जो मिर्च है हरी वाली, इसके वेज क्रिस्पी बनाएंगे। इसको नमक लगाने से इसका तीखापन कम हुआ है, और ऐसे अच्छे से ये करके ऐसे कर लेते हैं। ये बड़ी वाली मोटी मिर्च रहती है, पकोड़े के लिए अलग सी होती है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसके लिए इसके पकोड़े बनाते हैं। छोटी वाली ग्रीन हरी मिर्च से पकोड़े बनाएंगे तो तीखी लगेगी, इसके पकोड़े तीखे नहीं लगते हैं। दोनों तरह अच्छे से फ्राई करके लेना है और अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन करने नहीं है। तो अपने ये ग्रीन चिली हरी मिर्च के पकोड़े तैयार हुए हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं, छलनी में रखते हैं। थोड़ा तेल निचोड़ लेंगे अच्छे से। अब बैंगन के पकोड़े, बैंगन के वेज क्रिस्पी बनाएंगे। बैंगन के स्लाइस, गोल गोल स्लाइस, उसमें बेसन लगा के तेल में छोड़ देते हैं। उसे नमक और मिर्च लगाने से उसे उसकी टेस्ट आती है अच्छे से, और काले भी नहीं पड़ते हैं। उसमें ज़्यादा कोटिंग बेसन का नहीं लगाने का है, अपने को क्रिस्पी करने हैं पतले पतले। दोनों साइड से अच्छे से बैंगन को क्रिस्पी कर लेते हैं। अभी हमने शिमला मिर्ची और हरी मिर्च के वेज क्रिस्पी बना लिए है। अब अपने तेल में बैंगन के वेज क्रिस्पी बना रहे हैं, तो उसे भी अच्छे से सुनहरा कलर आ गया है, तो हम ये निकाल लेते हैं। अभी इसके बाद हम करेले के वेज क्रिस्पी बनाएंगे। करेले को अच्छे से नींबू और हल्दी और नमक लगाने के कारण उसका अच्छे से पानी निकल आ गया, देखो उसका कड़वापन निकल गया। उसको थोड़ा निचोड़ लेते हैं इस तरह। ये इसको भी आटे में कोटिंग, आटे का कोटिंग करके तेल में छोड़ देते, इससे उसका कड़वापन निकल जाएगा और अच्छे से करारे बन जाएंगे। किसी ने करेले के वेज क्रिस्पी नहीं बनाए होंगे, होटल में बैंगन के, आलू के, प्याज के, कैबेज और पालक के वेज क्रिस्पी बनते हैं, ये अलग से। करेले के वेज क्रिस्पी हम बना रहे हैं, आप भी बना के देखिए आपको कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बोलना। हमने दोनों तरह से अच्छे से करेले के वेज क्रिस्पी सेक लिए हैं, और थोड़े होने देते हैं तो करारे हो जाएंगे अच्छे से। अपने करेले के वेज क्रिस्पी तैयार हो गए, उसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो ये भी निकाल लेते हैं। अभी करेले के बाद हम ऑनियन रिंग्स, कांदे की गोल रिंग्स के वेज क्रिस्पी बनाएंगे। अभी हम प्याज के वेज क्रिस्पी बनाएंगे, उसके गोल गोल ऐसे रिंग्स निकाले हैं, और ये इसमें इस तरह प्याज पे अपना आटा, बेसन का आटा लगा के उसमें रिंग्स निकाल के वो फ्राई करते हैं। ये भी सुनहरे रंग पे प्याज के वेज क्रिस्पी तैयार हुए हैं, हम निकाल लेते हैं। अच्छे से तेल निचोड़ लेते हैं। ये ऐसे पतले पतले आलू के चिप्स बनाए हैं, इसको पानी में रखा था। अब ये हम आटे में लपेट के तेल में छोड़ते हैं, और अभी हम आलू के वेज क्रिस्पी बना लेते हैं। अपने आलू के वेज क्रिस्पी छान सुनहरे रंग में तैयार हो गए, हम निकाल लेते हैं। इस तरह हमने सभी प्रकार के वेज क्रिस्पी बना लिए हैं। अब मैं अच्छे से प्लेटिंग कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अपने वेज क्रिस्पी तैयार हो गए, हमने हरी मिर्च, करेले, बैंगन, ऑनियन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और आलू के वेज क्रिस्पी बनाए हैं। तो उसमें अभी गरम गरम में ही थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं अच्छे से।
तो उससे अच्छे से चटपटे लगेंगे। और उसके साथ शेजवान चटनी और टोमेटो सॉस है, तो उसके साथ ये खाएंगे। आप भी करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अगली नई रेसिपी आते तक खाते रहना और हैप्पी रहना।